दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब गुस्से में फैलिक वायु ने सूर्या से ही हाथापाई कर ली तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो आखिर क्या था वह लम्हा जब सूर्या के आतंक से परेशान होकर गेंदबाज गाली गलौज पर उतर आया? कैसे सूर्या ने अपने बल्ले से उनकी बोलती बंद करते हुए किया उनके घमंड को चकनाचूर? आखिर कैसे क्रिकेट का मैदान बन गया विवादों का अखाड़ा? उन दोनों के बीच हुए जबरदस्त विवाद का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या रिंकू और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तीसरे T20 में सूर्या के सिर पर खून सवार था। अपने सामने आने वाले हर एक अफ्रीकी गेंदबाज की उन्होंने बेरहमी से धुनाई की। हालांकि भारतीय टीम को शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं मिली, टीम इंडिया के लिए मस्ट विन मुकाबला था, लेकिन बावजूद उसके 30 रनों पर ही हमने अपने दो बल्लेबाजों को गवा दिया। शुभमन गिल केवल 12 रन बनाकर बनने चलते तो तिलक वर्मा को खाता खोलने का मौका नहीं मिला। पिछली बार की तरह एक बार फिर भारतीय टीम के सिर पर हार की तलवार लटकने लगी, लेकिन एक बार फिर कप्तान सूर्या ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। उन्हें साथ मिला यशस्वी जायसवाल को और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने लिख डाली टीम इंडिया की वापसी की कहानी। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन्होंने पहले 6 ओवर और फिर 10 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और अफ्रीका की शामत ला दी, लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल यह ओवर था पारी का 13वां। गेंदबाजी करने गेंदबाज फैलिक वायो आए, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ यशस्वी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन सूर्या किसी पर भी कहां रहम करते। उन्होंने इस गेंदबाज का स्वागत ही तूफानी छक्के से कर दिया। बस फिर क्या था, यह घमंडी गेंदबाज अपना आपा खो गया और सूर्या को आंखें दिखाते हुए वो गाली गलौज पर उतर आए। जी हां दोस्तों, ये गेंदबाज अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही सूर्या ने छक्का मारकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, वह तो सूर्या से वाद विवाद करने पर उतारू हो गए। उन्होंने सूर्या को कुछ अपशब्द कह दिया। बस फिर क्या था, सूर्या ने तो पहले नजरअंदाज किया, लेकिन फिर मामला हाथ से निकलता देख उन्होंने भी गेंदबाज को चुपचाप गेंदबाजी करने के लिए कह दिया। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के पास आ गए, बेहद पास तक। दोनों के बीच गर्मा गर्मी भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि आज कोई भयंकर विवाद होने वाला है, यहाँ तक कि अंपायरों के हो ही छोड़ गए। उन्हें भी बीच बचाव में आना पड़ा। हालांकि जब तक वह आते तब तक सूर्या ने गेंदबाजों से किनारा कर लिया और एक बड़ा विवाद होते होते रह गया, लेकिन अपनी बेइज्जती सूर्या भूल नहीं पाए। उसके बाद तो उन्होंने आतंक ही मचा दिया। इस ओवर में फैलिक वायु की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्या ने न केवल दो तूफानी छक्के लगाए बल्कि केवल 32 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम देते हुए उन्होंने बता दिया कि टीम इंडिया से उलझना कितनी बड़ी भूल थी। गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए सूर्या ने न केवल अपना बदला लिया बल्कि फैलिक वायु को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। गेंदबाज तो चुपचाप अपना मुंह दिखाए नीचे किए वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो सूर्या ने सीखा ही नहीं। उनका तूफान जारी रहा। सूर्या का गुस्सा दिलाकर अफ्रीका ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद तो सूर्या ने अफ्रीका की शामत ला दी। 15 ओवर में ही टीम इंडिया को उन्होंने 150 रनों के पार पहुंचा दिया और टीम इंडिया एक रिकॉर्ड तोड़कर स्कोर की आगे तरफ बढ़ चली। अफ्रीकी गेंदबाज तो खड़े खड़े केवल अपनी तबाही का मंजर देखते रह गए और अपनी गलती पर पछताते रहे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, सूर्या और यशस्वी में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।